हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ सर। सो गाइस, हम अपने रूम से निकल चुके हैं और आज है day 3। सो गाइस, चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का। सो गाइस, मैं चंदा सिंह एंड स्वागत करती हूँ आपका मेरे न्यू व्लॉग में। एंड गाइस, आज हम यहाँ से निकल चुके थे मॉर्निंग में 7 बजे करीबन मॉर्निंग का। गाइज, यहाँ से हम निकल ही रहते तो हमने सोचा कि चलो रास्ते में कॉर्क है तो हम कॉर्क भी घूम के आ जाएंगे, तो हमने सोचा चलो कॉर्क भी चलते हैं। तो यहाँ से हम सीधा अभी जा रहे हैं कॉर्क की साइड और फिर वहाँ से जाएंगे सीधा डबलिन में और उसके बाद सीधा अपने घर में। तो देखते हैं आज day 3 की जर्नी कैसी रहती है। और मौसम आज जो कि है ठंडा है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, तो देखते हैं आज जो हम लोगों ने पहन रखा है मैचिंग रेड कलर। जय जी, आपको कैसे लगी कैरी की जर्नी, काउंटी कैरी? मैंने तो सिर्फ ड्राइविंग ही की। आपने ड्राइविंग की, आपने एंजॉय नहीं किया? ज्यादा मैंने ड्राइविंग की ना, 500-600 किलोमीटर किया मैंने दो दिन में कवर, ज्यादा ही किया होगा इससे ज्यादा। सो गाइस, जो हमने day 2 की ट्रिप थी वो हमने मतलब कम से कम हम 6 to 7 प्लेसेस गए थे और वो जर्नी हमने एक दिन में ही कवर की थी पूरी। मतलब जय ने गाड़ी चलाई थी आई थिंक सो 6 to 7 आवर्स या 4 to 5। सुबह निकल गए थे, शाम तक गाड़ी चलाई। हाँ, तो मतलब गाइस, हम मतलब जय ने 6 to 7 आवर्स गाड़ी चलाई है, तो काफी लॉन्ग टाइम इन्होंने गाड़ी चलाई है, तो सल्यूट है इनको। हाँ, तो आपने फर्स्ट टाइम चलाई है इतनी? आप वैसे इधर उधर चलाते हो मतलब घर के आसपास, कभी हम डबलिन चले गए, लेकिन फर्स्ट टाइम हम मतलब एक काउंटी से हम दूसरी काउंटी में आए हैं और मतलब काफी लॉन्ग ड्राइव की है हम लोगों ने। तो गाइस, एक्सपीरियंस काफी अच्छा था और काफी मजा भी आया, काफी अच्छा लगा हमको यहाँ पे आके। अगर आप लोग भी आइलैंड रहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी कैरी काउंटी आएं और इधर घूमिए, इधर काफ़ी सारा है मतलब विजिट करने के लिए प्लेसेस। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और तो लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देख ही लिया होगा। और वीडियो में बने रहिए एंड मेरी वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिए। अभी हम आ चुके हैं सिटी सेंटर में, कॉर्क सिटी सेंटर। मैक्रूम आ रखे हम अभी, हम आ चुके हैं मैक्रूम। अभी हम हैं मैक्रूम टाउन सेंटर में, यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट है ना। सो गाइस, ये है यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट मैक्रूम की और ये वाला है चर्च, है ना? चर्च है ये वाला। चलिए फिर, ये है यहाँ पे हेड पंप। गाड़ी किधर है? ये जो टाउन है, टाउन की मार्केट है, काफी बड़ी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक ईयरकॉम भी है जो हमारे इंडिया में होता था, टेलीफोन की सुविधाएं जो कि है ये वाली। अभी हम पहुंच चुके हैं कॉर्क सिटी सेंटर और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हल्का फुल्का जाम लगा है। ये जो इमारत है कितनी बड़ी होगी, कितनी मंजिल की होगी? कितना क्या आप बताओ ना। कम से कम ऐसा लग रहा है 20 से 25 है ना। ये अपार्टमेंट तो नहीं होंगे, अपार्टमेंट होंगे ये वाले हैं जी? नहीं नहीं, ऑफिस होंगे, ऑफिस है ना। और यहाँ पे हॉल, सिटी हॉल है, तीन चार यहाँ पे अल्टी वगैरह के शोरूम्स वगैरह हैं यहाँ पे। मतलब जैसे हमारी डबल सिटी सेंटर है वैसे यहाँ पे ये कॉर्क सिटी सेंटर है ना। सो गाइस, देख सकते हो कितने मस्त है यहाँ पे होटल वगैरह भी हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं कॉर्क सिटी सेंटर में, है ना। सो गाइस, हम निकल चुके हैं कॉर्क सिटी सेंटर को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी तो मौसम अच्छा हो रहा था, अभी धूप निकल, बहुत धूप चली गई है ना। हॉल इन एंड बैरेट यहाँ पे भी है, ठीक है।
call these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want going? यहाँ से साइकिल मिलती है. तो गाइस ये है यहाँ की साइकिल, हम इसको किराए पे ले सकते हैं. कुछ कितने टाइम की होती है, एक घंटे की होती है शायद. जितना मर्जी भी घुमाओ और फिर यहाँ पे आपको पैसे भरने पड़ते हैं उसके बाद, है ना. सिस्टम है मैकडॉनल्ड और सामने है गाइस डील्स और इधर अभी हम जा रहे हैं उस साइड. सो अभी हम आ चुके हैं इंग्लिश मार्केट, तो चलते हैं अंदर. यहाँ पे खाने पीने का सारा सामान मिलता है इंग्लिश मार्केट में, है ना. ये कपड़े का सामान लगा हुआ है, लेना कुछ आपने यहाँ से. सो आपको यहाँ पे चिकन वगैरह और मतलब सब्जियाँ वगैरह और सारा सामान आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अल्कोहल वगैरह भी. तो गाइज आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे. इंग्लिश मार्केट जो कि है कॉर्क की काफ़ी फेमस मार्केट है, काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ विजिट करने के लिए. और आपको यहाँ पे मतलब ए टू जेड आपको सारा सामान यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. ताज़ी सब्जी आपको मिल जाएंगी, फ्रूट वेजिटेबल. मैकडोनल्ड भी है ऊपर की साइड जाके. और आपको चिकन की अलग अलग वेराइटीज़, बीफ वगैरह, मतलब हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी. और डेकोरेशन का सामान वगैरह भी आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा. तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके. स्नैक्स लगे हुए हैं. सो अभी जो है कि मॉर्निंग का टाइम है और आप देख सकते हो मॉर्निंग से यहाँ पे जो कि है क्राउड स्टार्ट हो जाता है. और ये जो शॉप्स होती हैं काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पे ओपन ही रहती है, तो काफ़ी अच्छा है गाइस यहाँ पे. ये है ऑर्गेनिक फूड्स और वेजिटेबल. जय ये क्या होगा, ये सब सीताफल है ये वाले, है ना. खरबूज ये सीताफल है. सो गाइस यहाँ पे जैसे बोल सकते हैं मार्केट लगती है यहाँ पे कॉर्क में, इंग्लिश मार्केट. फ्रेश वेजिटेबल सो आपको यहाँ पे जो कि है सैलेड वगैरह भी मिल जाएगा ओपन भी. आप अचार वगैरह भी ले सकते हैं यहाँ से. और आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रॉबेरी लगी हुई है एकदम ताज़ी ताज़ी. और यहाँ पे सारे मतलब डेकोरेशन का सामान भी है थोड़ा बहुत. और यहाँ पे लगे हैं फ्रेश और फ्रेश फ्रूट्स और अलग अलग वेराइटीज़ के लगे हुए हैं, आप जैसे कि देख ही सकते हैं गाइज़ यहाँ पे. तो यहाँ पे जो है कि रीज़नेबल प्राइस मैं बोल सकती हूँ, जैसे कि ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मतलब 3-4 यूरो से स्टार्टिंग है. तो मतलब क्योंकि यहाँ पे सारा फ्रेश सामान आता है तो मतलब थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन वैसे रीज़नेबल प्राइस है. तो हम आ चुके हैं आउटसाइड और अब हम जा रहे हैं थोड़ा पार्क की साइड. सारे कबूतर और अच्छा इसका है ना. और गाइस आप देख सकते हो कितने सारे यहाँ पे वो हैं कबूतर. सो गाइस आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा जनसंख्या में यहाँ पे जो कि हैं कबूतर हैं और सारे बैठे में धूप सकते हैं. अभी अभी यहाँ पे दाना डाला गया है तो काफ़ी सारे कबूतर जो कि है खाना खा रहे हैं अपना. और कुछ कबूतर हैं यहाँ पे पीछे, कितने सारे कबूतर हैं जो कि खाना खा रहे हैं इधर. और काफ़ी सारे उधर से भी उड़ के आ रहे हैं. यहाँ पे जो कि है एक छोटी सी नहर होती थी, लेकिन अभी यहाँ पे क्लोज है, पानी नहीं है बिल्कुल भी. ये है यहाँ का फाउंटेन. आ रहे हैं डीजल अपनी गाड़ी में. कितना लीटर भर गया अभी, 37-38 टंकी फुल करनी है मतलब. नब्बे होगा तो पूरा. तो
सारे गाइस सामने है स्पार और यहाँ पे है ये वाले डीजल के अलग अलग मतलब बने हुए हैं, तो आप देख सकते हो डीजल। तो गाइस हमारा जो डीजल है वो भर चुका है और जो हो चुका है अभी हो चुका है 90 यूरो एंड हमारी जो टंकी है 45 लीटर इसमें तेल भर चुका है डीजल और 90 यूरो का हमारा इसमें टोटल खर्चा आया है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरी वीडियो को शेयर कीजिए एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर द न्यू वीडियोस। एंड हम पहुँचने वाले हैं घर की साइड। सो गाइज काफ़ी सारे इन्जॉय किया और मैं अभी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, ऐसा मन कर रहा है कि बस सो जाऊँ। सो गाइज मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय, आई एम सो टायर्ड।